खरगोन जिले की सभी तहसील खरगोन, खरगोन नगर, कसावद, महेश्वर, बड़वाह, सनावद, गोगावा, भीकनगांव, झिरनिया, भगवानपुरा व सेगांव में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सभी इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9925046607। जिले के खरगोन और भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र में बीती रात हवा आंधी के साथ हुई जोरदार बारिश से गेहूं और चने की फसल को भारी नुकसान हुआ। कई गांवों में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल आड़ी हो गई, वहीं खेतों में काट कर रखी चने की फसल भी भीग गई। बीती रात खरगोन और भगवानपुरा क्षेत्र के कई गांवों में तेज हवा आंधी के साथ बेमौसम बारिश ने एक बार फिर किसानों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। किसानों की खड़ी फसल जमीन पर ही आड़ी हो गई, वहीं बारिश के चलते किसानों की गेहूं की कटी हुई फसल को भी नुकसान हुआ है। पीड़ित किसान अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मावठे की बारिश ने किसानों की बनी बनाई मेहनत पर पानी फेर दिया। खरगोन और भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ में खेत में लगी गेहूं चने की फसलें प्रभावित हुई है। अचानक मौसम में बदलाव के चलते मावठे की बारिश होने से किसानों में मायूसी छा गई। खेत में फसल कटने की तैयारी कर रहे किसानों की फसल बर्बाद हो गई। भारतीय किसान संघ का कहना है कि मावठे की बेमौसम बारिश की मार से किसानों की कमर टूट गई है। एक ओर सरकार ने पहले ही गेहूं के भाव घटा दिए हैं, दूसरी ओर बारिश से किसानों को गेहूं चने की फसल का भारी नुकसान हुआ है। सरकार को किसानों को 1,000 रुपए का बोनस देना चाहिए और फसल के नुकसान का सर्वे करवाकर राहत राशि शीघ्र देना चाहिए। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। ये गांव पूरे बारिश के कारण बेमौसम बारिश हो गई होने के कारण पूरा गांव आड़ा पड़ गया है, पूरा खेत सूख गया है और सभी किसानों के परेशान है। यानी समझ लो कि 4 लाख के लोग पूरे अभी काटने में परेशानी आएगी, ताकि लेके हो गए और फसल बिजली भी महंगी है और अपना खाद बीज ये सब चीज़ महंगाई करके रुका है। अब इसको काटने में मजदूर ज़्यादा लगेंगे, पैसा ज़्यादा लगेगा। अभी कलर भी उड़ चुका है, उसको समर्थन में ले आएंगे तो वहाँ समर्थन मूल्य में भी तोलेंगे। इसके लिए शासन और प्रशासन किसानों के हित में कुछ सोचे और तुरंत यानी जल्दी जल्दी इसकी कार्रवाई करो और किसानों को मुआवजा देने की फिक्र करें। किसको लाए साथ में सर्वे के लिए? सर्वे के लिए हम पटवारी मित्र आए हैं, पटवारी जी आए हैं और पटवारी जी को बोल दिया है कि आप जो सही है सही करो और देख के करो, सबका सर्वे करो और सब तुरंत मुआवजा दिलाने की कार्रवाई करें। आप आप पटवारी जी हमारे साथ आई भी है, कहने में सुन भी लिया उन्होंने। किसान पूरा परेशान है, पूरा खत्म है। क्या नाम लिखते हो? सादिक अली। आप नानसिंह पिता गुमला कहाँ रहते? बहुत गेहूं की फसल और चने की फसल को नुकसानी हुई है। एक तरफ सरकार ने मूल्य को घटा दिया है और दूसरी तरफ ये मौसम की मार से किसानों की कमर टूट गई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि 1,000 रुपये बोनस दिया जाए और जो बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया जाए और राहत राशि दी जाए। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।